हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। यस, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। मेरे चैनल पे अक्सर मैं हमेशा बताता रहता हूं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इस वीडियो में बहुत स्ट्रांग टिप देने वाला हूं। खैर, ये जो टिप है ये उन यूज़र्स के लिए नहीं है या फिर उन क्लाइंट्स के लिए मेरे नहीं है जो छोटा एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, यानी जिनका बजट 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 के बिलो है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपका बजट हाई है और आप एक नए फ्रेश प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, एक यूनिक आइडिया है आपका, आप कुछ नया करना चाहते हो और आपके पास बजट कम है, और जो ये मेरा आप जो वीडियो देख रहे हो इसके बाद तो और भी कम आपका बजट रहेगा, प्लस आपका प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो मिलेगी वो एक अलग लेवल की मिलेगी, ठीक है। वो कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, डेडिकेटेड डेवलपर हायर करना या फिर डेडिकेटेड डेवलपर्स के बारे में शायद आपने कभी सुना होगा, या नहीं भी सुना हो तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। डेडिकेटेड डेवलपर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करते हो तो होता क्या है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, वो जो डेवलपर्स रहते हैं वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, समझ के चलो कि आपका आपके पास बजट है 2 से 2.5 लाख का बजट आपका, ठीक है, 2-2.5 लाख या 3 लाख का आपका बजट है और आप किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करेगी, ऑब्वियसली अगर आपको प्रोजेक्ट वो 3 महीने का मतलब आपको दे रही है, फिर 2 महीने का आपको उसने बोल दिया कि काम वो आपको कंप्लीट करके देगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके पास और भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे जिसमें वो आपके प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाले। एग्जांपल के तौर पर अगर उसके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, डेवलपर 10 है, ठीक है, तो 5 डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे या फिर 5 डेवलपर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, प्लस बीच में कोई एक और प्रोजेक्ट आ गया तो उन लोग उसमें मतलब एडजस्ट करना पड़ता है टाइम शेड्यूल को, तो वहां पे आपका थोड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस होगा या फिर आपके प्रोजेक्ट को टाइम पे नहीं दिया जाएगा, कॉस्ट बढ़ सकता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब डेडिकेटेड डेवलपर अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हो तो वहां पे फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फायदा ये होगा कि आपने अपने जो डेवलपर है वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट पहला फायदा ये होता है, ठीक है। दूसरा फायदा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा फायदा, आप पूरा कंप्लीट मॉनिटर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, पूरे दिन में कितना काम हुआ है, डेवलपर्स ने कितना वर्क कंप्लीट किया है, कितना बाकी, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा पाओगे कि आपको प्रोजेक्ट आपको कब मिल जाएगा, ठीक है। अब वैसे अगर आप विदाउट डेडिकेटेड डेवलपर करोगे तो आप डेली का मॉनिटरिंग जो रहता है ये नहीं कर पाओगे। कंपनी क्या करेगी, शाम को आपको रिपोर्ट तो भेज देगी लेकिन कितना वर्क हुआ, एग्जैक्टली क्या कोडिंग हुई, ये आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो डेडिकेटेड डेवलपर हायर कैसे करना है अब मैं ये आपको बताता हूँ। डेडिकेटेड डेवलपर हायर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपका फ्रेश प्रोजेक्ट है और आप चाहते हो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए ही सिर्फ हायर करें तो फ्रीलांसर हायर कर सकते हो, मतलब फ्रीलांसर के ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं, फीवर पे जा सकते हो, फ्रीलांसिंग पे जाके आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक मतलब क्योंकि यार होता क्या है कि आप अलग से उसके लिए स्टाफ हायर करना, मतलब फ्रीलांसर तो आप हायर कर लोगे लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए आप स्पेशल स्टाफ, मतलब PHP का अलग डेवलपर और कह लीजिए एंड्रॉयड का अलग से डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड, फिर UI डिज़ाइन लगेगा, इन सब के लिए अलग से मतलब एक पूरी टीम को हायर करना वो आपके लिए कॉस्टली होगा, ठीक है, वो वैसा मत करना। फर्स्ट या तो आप ऐसा करो कि फ्रीलांसर्स को हायर कर लो, ठीक है, या फिर किसी फ्रीलांसर को कंप्लीट प्रोजेक्ट दो और उससे कंप्लीट आप रिपोर्ट लेते रहो, ठीक है। सेकंड आप ये कर सकते हो, किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहे हो तो कंपनी से ये आप डिस्कस कर लो कि जो उस कंपनी के मतलब जो डेवलपर्स जो आपके प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं उनकी जो सैलरी होती है, जो भी इनका कॉस्ट होगा वो आप पे करो, प्लस कंपनी का जो कुछ परसेंट प्रॉफिट रहता है, 10%, 5% या 15%, 20% जितना भी होता है, आप कंपनी से डायरेक्टली डिस्कस करके आप कंपनी को प्रॉफिट दे दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप अगर ये सोच रहे हो कि मतलब ऑब्वियसली कंपनी के पास वो जो डेवलपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे नहीं देगी, उनको हायरिंग प्रोसेस में कितना खर्चा लगता है वो हमें भी पता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो और इससे आपका कॉस्ट भी अच्छा खासा बच जाएगा, ठीक है। तो डेडिकेटेड डेवलपर हायर करना बड़े प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है और आप विदाउट डेडिकेटेड डेवलपर किसी कंपनी को देते हो तो आपको पता है अच्छा खासा आप लॉस सह रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।